अस्सलामु अलैकुम, हमारे चैनल प्लेट्स ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोकोनट खीर, जो बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक किए और कमेंट किए और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमने 2.5 किलो दूध ले लिया है, 1 प्याली हमने चावलों की ली है जिसको हमने पानी में भिगोकर रख दिए थे, कोकोनट पिसा हुआ हमने ले लिया है 1 प्याली, क्योंकि ये हमारी कोकोनट वाली खीर है तो 1 प्याली हमने कोकोनट की ली है। चीनी हमने 1 प्याली ले ली है क्योंकि हम मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ज़्यादा ले सकते हैं। 1 छोटी प्याली हमने मिलाई की ले ली है और 2 सब्ज़ इलायची ले ली है। सबसे पहले हमने ग्राइंडर जग लिया है, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तकरीबन 2 प्याली दूध डाल दें। ये जो चावल हमने पानी में भिगोए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। हम इसको चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमने दूध लिया है और 1 प्याली जो हमने चावलों की भिगो के रखी थी वो इसमें हम डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। खुला बर्तन ले लिया है, अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हमने दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है। दूध को उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बाकी का मिक्सचर भी शामिल कर देंगे जो दूध में हम चावल डाल के ग्राइंड कर लिया था। हल्की आंच पे रख देना है और बिल्कुल हमने काढ़ काढ़ के हमने इसको खोए की तरह करना है। जब दूध हमारा बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा, आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा आंच चूल्हे की नहीं रखनी। ऐसे हमने इसमें चम्मच ज़रूर हलाना है ताकि जो खीर है वो साफ ना लगे। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो हमने मुसलसल इसको हलाते रहना है ताकि जो खीर है वो साथ ना लगे, क्योंकि साथ लगी हुई खीर की स्मेल बहुत बुरी आती है, इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। कुछ लोग इसमें खोया भी शामिल करते हैं तो खोए से खीर मज़े की तो बहुत बनती है लेकिन वो बहुत हैवी हो जाती है, तो हमने इसी दूध को पका पका कर हमने खोए की शक्ल दे देनी है। ये खीर इतनी मज़े की बनती है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल खोए वाली खीर जैसा ही आएगा। हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। आंच इसमें हलाते जाएंगे। अब हम इसमें जो मिलाई हमने ले ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी इसमें अच्छे से पक जाए। अब इसको अच्छे से हलाते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो रहा है, तो इसको हमने आस्ता आस्ता गुलाबी शक्ल में लेके आना है और इसको हल्की आंच पर हम पकाते रहेंगे। आप जिसे भी ये बनाकर खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है। तो एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाया करें, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और अपने आसपास ऐसे लोगों की ज़रूर मदद किया करें जिनको मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यकीनन इंसानियत से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। एक दूसरे का ख्याल रखा करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो दोस्तों जब भी दुआ किया करें
तो पूरी इंसानियत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे, क्योंकि हमारे मुल्क में जितनी परेशानियां हैं जो आप पे आई हुई हैं, अल्लाह पाक हमें उन सब से बचाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर आस्ता आस्ता गुलाबी होना शुरू हो रहा है। हम इसको मज़ीद पकाते रहेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे जो कि हमने एक प्याली ले ली थी। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से हला लेंगे। खीर गाढ़ी होनी शुरू हो रही है। इसको साइडों से भी अच्छी तरह साफ करते रहेंगे। हमारे घर में ये खीर सारे बहुत शौक से खाते हैं, तो चांद रात को हम इसको बना के फ्रिज में रख लेते हैं ईद के लिए, और फिर अगले दिन ईद पे हम इसको सुबह सेवइयों की जगह पे हम इसको इंजॉय करते हैं। आप सेवइयां भी बना सकते हैं, आप खीर भी बना सकते हैं। दोनों ही स्वीट डिश हैं और दोनों ही बहुत मज़े की बनती हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपको सेवइयां भी बनानी सिखाएंगे, वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। अब हम इसमें जो हमने कोकोनट ले लिया था एक प्याली, उसको इसमें शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। और चम्मच को अच्छे से हलाते रहेंगे ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे इसकी कलरफुल शक्ल आ रही है, और ये गाढ़ी भी हो रही है। हम इसको थोड़ी देर और बना के फिर हम इसको उतार लेंगे और गार्निश कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका हल्का हल्का गुलाबी रंग आ रहा है, और यह खीर हमारी पक्के तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसकी गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह खीर हमारी तैयार हो चुकी है, तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। हमने थोड़े से बादाम लिए हैं, हम इस पे वो डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्राई फ्रूट और भी डाल सकते हैं। अब हम इस पे कोकोनट पिसा हुआ डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से कवर कर देना है। तो ये तैयार हो गई है। तो आप इसको फ्रिज में ठंडा करके खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। हम आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।